Colonel, would this be the first we've always been manning posts all over the place, Mr. the vehicles. Even here in Brass, we have the problem. The troops are consolidating on these features. We have to reorganize our defenses. We have to redeploy. And in other areas, we are in the process of ensuring that our contact with the enemy is maintained. And we prepare men from bases, Srinagar and other areas. It is quite possible, although we haven't got any evidence of artillery. That's an absolutely incorrect statement by the Pakistan terrorists. Okay, if you're talking in terms of the depth of the intrusions, I'll be able to tell you. Otherwise, I'll have to do probably. All the bodies that we recovered, including the regular Pakistan Army soldiers from whom we recovered documents of their identity in the form of identity cards and A books, because their shelling is spread over vast areas in the region. We have a procedure of exchange of that they stay on for longer, and in any case, as you are aware, during आज यहाँ पाकिस्तान को चेतावनी देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ हमारे सैनिक ही नहीं बल्कि कलाकार भी उनके साथ हैं। कलाकार सिर्फ मनोरंजन करना नहीं जानता, केवल उनको हंसाना ही काम नहीं है उसका। वक्त आने पर हम फौजियों के साथ, अपने सैनिकों के साथ कंधे से कंधा जोड़कर आगे बढ़ने को तैयार हैं। पाकिस्तान ने क्या कोई किसी अपने जो पगड़ी मांगते ना आप थोड़ा बांध दे। ਆਉਣੀ ਨਾ ਆਏ ਯਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਪਲੇਟਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂਗੇ ਭਾਜੀ ਦੇ ਪਛਾਣ।
काम देना सो ऐसा हर त्याये मेरे जियड़े ता सर्व सुख पावे मेरे मना जन नानक को गुर की मत दी आगे सर आगे जी आगे तो दो इधर हो जाओ थैंक यू जी और ठीक है ले जी खाली करा देना कदे कान ते कोड़ दिना कट नहीं कह दे ए जिन्ना दे फायर पी करे जिन्ना दा सीधा तुरो तुरो प्रेम करो सही गल है नहीं रोएंगे तो फिर हम इधर कैसे ड्यूटी करेंगे हम तो खुश होकर इधर ड्यूटी कर रहे हैं आप अपने घर वालों को कुछ बताना चाहते हो ठीक है तू हौसला रखी असि ठीक ठाक हाँ हाँ कोई फिक्र फुकर ना करो हाँ असि ठीक ठाक है इतने याद तो आती है लेकिन देश देश सबसे पहले है उसके बाद में घर है मेन चीज तो वही है लेटर तो हमेशा लिखते रहते हैं लेकिन लेटर का लिखना और आमने सामने थोड़ा बात होने में थोड़ा फर्क होता है इसलिए इसमें ट्राई करते रहते हैं अच्छा लगता है फोन आराम से लगता है महसूस बस यही कर रहे हैं कि हम जितनी जल्दी उसके इस लड़ाई को खत्म करें और हम अपने घर जल्दी से जा सके ताकि घर वालों की चिंता खत्म हो Soldiers! We are with our soldiers! We are with our soldiers! We are with our soldiers!
निकल रहे अभी तू दिन चार दिन तू दिन टुडे अगर लेट हो गया तो यहीं रखेंगे कौन सी कंपनी है ये बात करते हैं हिसाब से आप लोग कौन सी कंपनी है ये बड़ी आई ना करगिल क्षेत्र से मिल रहे संकेतों के अनुसार ऑपरेशन विजय अब थमने लगा है। भारतीय सेना के शौर्य के सामने पाकिस्तानी घुसपैठिए टिक नहीं पाए और अब अंतर्राष्ट्रीय दबाव की आड़ में वहां से भाग रहे हैं। Presently, Pakistan Army, मुश्किल सेक्टर से पाकिस्तानी सेना की वापसी की बात तो ठीक है, लेकिन दरास और बटालिक से वापसी कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि पहले ही इन इलाकों को मुक्त करा लिया गया है। Is of very little consequence, as almost all these areas have been cleared already. करगिल से घुसपैठियों को बाहर निकालने की भारतीय सेना की कार्रवाई अभी भी चल रही है, बस हवाई हमले ही स्थगित किए गए हैं। It is clarified that there is no ceasefire or cessation of hostilities. ये बात काबिल-ए-गौर है कि फिलहाल शांति की कोई गुंजाइश नहीं है। And some ground-based सिर्फ जहां पाकिस्तानी सेना वापस हो रही है, वहां हवाई या ज़मीनी हमले नहीं किए जाएंगे। Still continuing. At present, there is no question of our pulling out of forces from the Kargil sector or anywhere else. पाक घुसपैठियों की वापसी का आमतौर पर स्वागत किया गया है, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों ने सावधानी बरतने की सलाह दी है। हम पूरा विश्वास नहीं कर सकते हैं जब तक यह कार्रवाई पूरा ना हो, यानी कि इनकी जो रिट्रीट है, चाहे वो विड्रॉल कहें दूसरी बात है, पर इनको पूरा रिट्रीट करना पड़ेगा LOC के दूसरे साइड पे। उदय भास्कर के अनुसार पाकिस्तान ने करगिल के अलावा देश के कई स्थानों पर आतंकवादी कार्रवाई की योजना बनाई है। ब्लीड द एनिमी बाय 1000 कट्स, यानी कि दुश्मन अगर आपसे बड़ा है तो उनके ऊपर 1000 जगह पे हमला कीजिए, ताकि उनका जो खून है धीरे धीरे बहता जाएगा और वो कमज़ोर हो जाएंगे। तो अभी ये जो नक्शा इन्होंने बनाया है लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट का, ये भारत के पूरे यानी कि उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम सब क्षेत्रों में उन्होंने, मैं समझता हूँ कि एक तरह से अपने एक स्लीपर्स जैसे जो कहते हैं उनको प्लांट किया है। इनको कभी चाहे तो वो टेररिज्म के रूप से वो भारत के ऊपर हमला बढ़ा सकते हैं। आम लोगों में सरकार की इस कार्रवाई को लेकर मिश्रित प्रतिक्रिया है। ये शांतिपूर्ण समझौता नहीं है ना, ये तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव है पाकिस्तान पर। शांतिपूर्ण समझौता इधर से हमारी सेना है उनसे लड़ रही है, उधर से वो अंतर्राष्ट्रीय दबाव उन पर पड़ रहा है। इनको मतलब सबक सिखाना चाहिए था, बाइक हमारे LOC पार करके उनके यहाँ जाए, नहीं तो ये दोबारा करेंगे, वैसे ही करेंगे। पाकिस्तान की मानसिकता को बदलनी होगी और वो काबू के बल पर, शक्ति के बल पर। क्या यही उनकी मर्यादा है कि जब भी हम ब्रिज बदल के हम जाते हैं एक्सटेंड हाथ करने के लिए, हम आते हैं कि बस की लीति और वो बस को लाहौर से उठाकर कारगिल भेज देते हैं? शुरू से अंत तक इनकी यही रणनीति रही है कि एक तरफ हाथ उठा और दूसरे से चाकू। इनकी हमेशा जो रही है, ये हमेशा हाथ में नस्तर लेके रहते हैं कि नस्तर चुभाने वाली रणनीति, हाथ मिलाए और अफजल खां की तरह चाकू भोंक दो, उनकी ये रणनीति है। करगिल में तोपें भले ही खामोश होने लगी हैं, पर इस प्रसंग ने पूरे देश की जनता को जिस तरह से देश और सेना के प्रति प्रतिबद्ध किया है, वह अभूतपूर्व है। करगिल से पाक घुसपैठियों की वापसी शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी भी निश्चित तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पिछले 50 वर्षों का इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान अक्सर कुछ न कुछ खुराफात करता रहा है। इसलिए हमें अपनी सीमा पर सतर्क निगाहें रखनी पड़ेंगी, ताकि कोई दूसरा करगिल न पैदा हो सके। ऑपरेशन विजय ने पूरे देश में देशभक्ति का ज्वार ला दिया है। लोग और संगठन अपने अपने तरीके से शहीदों और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए धन इकट्ठा कर रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में अब तक करगिल के नाम पर 5,80,00,000 रुपए जमा हो चुके हैं। हमारे पास अभी तक 5
करोड़ और 80 लाख रुपया कल तक जमा हुआ है। इसके अलावा प्रधानमंत्री राहत कोष में भी पैसे जमा हो रहे हैं। अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने सैनिकों को सहायता देने की घोषणा की है। महिलाओं ने गहने दे दिए तो पुरुषों ने वेतन। लोगों के इस उत्साह ने सरकार को भी सोचने को बाध्य किया और नई घोषणाएं भी हुई। अभी तक आपने देखा है कि सरकार ने बहुत अच्छा एक पैकेज निकाला है, खासकर एक्स ग्रेशिया है डिसेबल्ड के लिए, घरों के लिए फंड्स हैं, आर्टिफिशियल लिम्स के बारे के लिए है, और अपने जो आर्टिफिशियल लिम्स सेंटर्स हैं और बढ़ाने की स्कीम है। जनरल ग्रेवाल के अनुसार विभिन्न राज्य सरकारों के अलावा इस बार कॉरपोरेट हाउस ने भी सैनिकों के पुनर्वास में रुचि दिखाई है। कॉरपोरेट हाउस में दो हाउसेज हैं जो कि आगे आए हैं। पहले है सहारा ग्रुप, जिन्होंने 50 करोड़ का कॉर्पस रखा है। दूसरे हैं पेप्सिको, जिन्होंने भी 75 लाख रुपए का कॉर्पस दिया है फॉर एजुकेशन स्कॉलरशिप, और 500 कियोस्क छोटी दुकानें देने को वायदा किया है। प्लस उनकी जितनी भी डेपोज हैं वो ये विडोज के साथ मिलाप रख के, मेल मिलाप उनके साथ। तो ये दो जो हैं आगे आए हैं, बाकियों को हमें रिक्वेस्ट है कि अगर इस किस्म का ये मदद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात। जनरल ग्रेवाल के अनुसार जनता की यह प्रतिक्रिया स्वागत योग्य है, लेकिन हमें ऑपरेशन विजय से पहले के भी ऑपरेशन याद रहने चाहिए। 1947 से अब तक विभिन्न ऑपरेशनों में 17,000 सैनिक शहीद हुए और लगभग 30,000 सैनिक विकलांग हुए। इन सैनिकों और उनके परिजनों को मदद की जरूरत है, लेकिन उससे भी ज्यादा दरकार है सम्मान की। करगिल की कई चोटियों से पाकिस्तान के घुसपैठियों को खदेड़कर भारत ने यह तो साबित कर ही दिया है कि हमारे जांबाज सैनिकों के आगे पाकिस्तान के मंसूबों की कोई औकात नहीं। इस पूरे प्रकरण में भारत ने आर्थिक सुदृढ़ता का परचम लहराकर भी पाकिस्तान ही नहीं पूरी दुनिया को बता दिया है कि हमारी अर्थव्यवस्था के आगे पाकिस्तान को घुटने टेक नहीं होंगे। करगिल में चल रहे ऑपरेशन विजय पर अत्यधिक खर्च को देखते हुए भारत के रक्षा बजट को लेकर आत्ममंथन का दौर शुरू हो गया है। पिछले कुछ सालों में रक्षा बजट में अल्प बढ़ोतरी को लेकर तत्कालीन सरकारों की आलोचना भी होती रही है। रक्षा विशेषज्ञों में भी इस बात को लेकर चिंता है। सब लोग जानते हैं कि भारत का जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है, जो सैनिक क्षेत्र के लिए हम पैसा खर्च करते हैं, ये GDP के तुलने में बहुत ही कम है। इस साल यानी कि 99-2000 के लिए जो हमने एलोकेट किया है ये करीब 2.3% है हमारे पूरे GDP के। दरअसल पिछले कई सालों से हमारे रक्षा बजट में खास बढ़ोतरी नहीं हुई, जबकि हमारे पड़ोसी देशों पाकिस्तान और चीन ने रक्षा मद में खर्चे काफी बढ़ा दिए हैं। 1996-97 में भारत का रक्षा बजट कुल 29,505 करोड़ रुपए का था, जो 1997-98 में 35,277 करोड़ रुपए हो गया। 1998-99 में हमारा रक्षा खर्च 41,200 करोड़ रुपए हो गया, जबकि चालू वित्त वर्ष यानी 1999-2000 के लिए सरकार ने कुल 45,699 करोड़ रुपए के रक्षा खर्च का प्रस्ताव किया है। अर्थविदों की राय में हमारी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हालत में है और पड़ोसी देशों के रक्षा खर्च में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए हमें भी रक्षा खर्च बढ़ा देना चाहिए। ये देखते हुए कि जो आपकी नेबरिंग कंट्रीज हैं उसमें GDP का एक ज़्यादा बड़ा हिस्सा डिफेंस के बजट में लगाया जाता है, मुझे लगता है कि कम से कम हम लोग का एक्सपेंडिचर, डिफेंस एक्सपेंडिचर 2% अब GDP तो ज़रूर कर देना चाहिए। श्रीवास्तव कहते हैं कि खर्चों की प्राथमिकता को बदलते हुए हम ये काम आसानी से कर सकते हैं और इससे हमारी अर्थव्यवस्था पर कहीं से कोई विपरीत प्रभाव नहीं होगा। एक्सपेंडिचर की प्रायोरिटीज है उसमें मार्जिनल चेंज करके ये संभव है। अब हम लोग कम से कम 16-17% जो है GDP का टैक्स के रूप में उठाते हैं और नॉन टैक्स रेवेन्यू भी करीब 3% का है, तो उसमें से 2% डिफेंस के लिए निकालना 19-20% में से कोई खास दिक्कत की बात नहीं है। मार्जिनल एडजस्टमेंट चाहिए प्रायोरिटीज में। पड़ोसी देशों से मिल रही नई चुनौतियों की रोशनी में इस समस्या पर फिर से सोच विचार करने की जरूरत महसूस की जाने लगी है। पिछले कुछ सालों में हमारा रक्षा बजट जरूर बढ़ा है, लेकिन भारत के आकार और हमारी रक्षा जरूरतों के मद्देनजर यह बहुत कम है। पड़ोसी देशों के मुकाबले तो यह और भी कम है। करगिल समस्या ने हमारे नीति नियंताओं का ध्यान इस ओर खींचा है। संभव है आने वाले दिनों में सरकार इस समस्या को।
करगिल में इन दिनों अघोषित युद्ध विराम है। पाक घुसपैठियों की वापसी काफी तेज गति से हो रही है। द्रास इलाके के दो पॉइंट्स को छोड़कर बाकी हिस्से से घुसपैठिए वापस जा चुके हैं। हमारे जो जवान हैं, वो मैंने आपको बताया बटाले काकसर द्रास के अंदर वो लाइन ऑफ कंट्रोल तक पहुंच गए हैं, वहां पे हैं। सिर्फ दो पोजिशन है द्रास के अंदर 0.5100 और 5060 जहां से भी दुश्मन पीछे विड्रॉ कर रहा है और हम इन पोजीशन को शायद आज शाम तक ऑक्यूपाई कर लेंगे। तो जहां तक ये तीन सेक्टर्स का सवाल है, दुश्मन ने विड्रॉ किया है और हमने पोजीशंस आगे ऑक्यूपाई कर ली हैं। मस्को वैली के अंदर विड्रॉल चल रहा है। कर्नल सिंह के अनुसार आज शाम तक सारे घुसपैठिए वापस चले जाएंगे, जो नहीं जाएंगे उनसे दुश्मनों जैसा सलूक किया जाएगा। उस डेडलाइन के बाद में अगर पाकिस्तानी जवान हमारी तरफ दिखाई देंगे लाइन ऑफ कंट्रोल के, तो उन्हें हस्ताक्षर समझ के उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। सेना और सरकार को जहां उम्मीद है कि आज सारे घुसपैठिए वापस चले जाएंगे और समस्या खत्म हो जाएगी, वहीं रक्षा विशेषज्ञों एवं पूर्व सैनिकों का मानना है कि समस्या अभी खत्म नहीं हुई है। पहली बात तो है कि माने कि वो शायद निकल जाएंगे, लेकिन जहां तक पर्सनली मेरा विचार है कि वो किसी न किसी बहाने से कुछ न कुछ पीक्स को शायद अपने हाथ में रखेंगे, क्योंकि वो शायद डिस्प्यूट करेंगे कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल यहां रन करती है यहां रन नहीं करती है। उसके लिए कोई और आंसर नहीं है कि 16th के बाद ऑपरेशंस फिर से शुरू होने चाहिए और उसके लिए हमें अपना गार्ड नीचे नहीं करना चाहिए। जनरल खुराना के अनुसार समस्या केवल करगिल की नहीं है, पाकिस्तान पूरे देश में आतंकवादी कार्रवाई की योजना बनाए बैठा है। प्रॉब्लम इज नॉट ओवर। जहां तक प्रॉब्लम का सवाल है, ये प्रॉब्लम सिर्फ कारगिल नहीं थी, ये उनका बहुत ग्रैंड डिजाइन था जिसमें कारगिल सिर्फ एक हिस्सा था। मेन डिजाइन तो उनका था वैली के अंदर, और बाकी क्यों सिर्फ वैली के अंदर बल्कि रेस्ट ऑफ देश के अंदर भी, मेरे ख्याल में उन्होंने जितनी इन्फिल्ट्रेशन की है और जो उनके डिजाइन का एक हिस्सा है, ये इंसर्जेंसी किलिंग्स डिस्ट्रप्शन ये अभी ज्यादा शुरू होगा। फिलहाल कारगिल से घुसपैठियों के वापस लौट जाने की उम्मीद है, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों की राय भी महत्वपूर्ण है और उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। करगिल से घुसपैठियों के वापस हो जाने के बावजूद हमें अंदर और बाहर सतर्क निगाहें रखनी होंगी। So there are some other units which are this thing behind there in behind reverse slope positions. Okay. We may not know what is there in the reverse slope position, but the ones which are the winter months. I've just told you it's a time consuming, it's a long commitment. Everyone has been saying it take. How do we trust this? Because when there has been such a big intelligence failure.
Gentlemen, there is a cup of tea laid out after this. The battalion which has been identified by us during this action, we have recovered some documents from the persons of the individual who were killed in the action, that is the Park soldiers who were killed, and the battalion identified is 6 NLI, that is 6 Northern Light Infantry. बल्कि देशभक्ति का एक जज्बा है जो दुश्मनों का मुकाबला कर रहा है। यह जज्बा देश के हर व्यक्ति के अंदर भरा हुआ है। यही जज्बा है कि लोग अपना खून तक देने से नहीं हिचकते। दिन में 3 से 5 कैंप तो लग ही जाते हैं। जैसे एक कैंप इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ने लगाया, एक LNJP हॉस्पिटल ने लगा लिया, एक RML की तरफ से लग गया। दोनों ब्लड बैंक मिलकर लगाते हैं। सफदरजंग अस्पताल भी कैंप लगाते हैं। पूरे देश में रक्तदान शिविर आयोजित करने की होड़ लगी हुई है। देश के लिए कुछ भी करने की भावना लिए कुछ लोग धरना प्रदर्शन करते हैं तो कुछ रक्तदान करते हैं। अपने देश के लिए, अपने देश के जवानों के लिए, अपने देश के लिए, अपने भाइयों के लिए, जितने भी आर्मी में हैं या किसी को भी जरूरत पड़े तो उसको बुला देने में कोई दिक्कत नहीं। आम नागरिक जहां रक्तदान की होड़ में लगे हैं, वहीं सेना और रेड क्रॉस के अधिकारी इससे परेशान हैं। सेना ने अभी तक रेड क्रॉस से खून नहीं मांगा है, इसलिए रेड क्रॉस ब्लड बैंक का स्टॉक लगातार बढ़ रहा है, लेकिन उसका यूटिलाइज नहीं हो पाया। कारगिल में इतनी डिमांड नहीं आई और हमारे पास स्टोर कैपेसिटी जो है वो भी कम है। उसमें सिर्फ 30 डेज से हम लोग ज्यादा ब्लड नहीं रख पाते, तो इसलिए आजकल हम लोगों ने थोड़ा स्लो डोनेशन ले लिया है। वैसे तो हमारी डिमांड बहुत है, वो लोग बहुत कह रहे हैं कि कैंप लगाओ, 3-4 एट ए डे करो, लेकिन हम नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास स्टोरेज की प्रॉब्लम। सेना को अभी खून की जरूरत नहीं है, इसलिए कारगिल के नाम पर जमा आम मरीजों को जरूरत है ब्लड थैलेसीमिक्स के लिए, और भी जो मरीज जिनके लिए ब्लड हार्ट सर्जरी के लिए जो रुके हुए थे उनका काम हम कर रहे हैं और ब्लड दे रहे हैं। कभी कभी रिप्लेसमेंट जो उसका बदले देने पड़ते वो भी नहीं ले रहे हैं ताकि ये ब्लड खर्च हो जाए और मरीज को भी फायदा पहुंचे। सेना और डॉक्टर इस रक्तदान की होड़ से चिंतित हैं। सीमित साधनों की वजह से ब्लड बैंकों में इस रक्त को सुरक्षित नहीं रखा जा सकता है। ऐसे में जरूरी है कि इस भावना को सुरक्षित रखा जाए। बसवेरे, मैं कुमार गिरीश। करगिल की स्थिति में बदलाव के बावजूद सैनिकों की करगिल यात्रा कल भी जारी रही। नई दिल्ली से जम्मू तवी तक जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस पिछले कुछ दिनों से लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। कल करगिल जाने वाले सैनिकों को विदाई देने राजधानी के विभिन्न अखबारों के कार्टूनिस्ट आए। इन कार्टूनिस्टों ने सैनिकों के बीच जाकर ऑन द स्पॉट कैरिकेचर बनाकर उन्हें भेंट किया। शेर के पिंजरे में बैठ कर शेर का कैरिकेचर बनाना, उसका जो रोमांच होता है, ऐसे ही हमारे जवानों के बीच बैठ के उनका कैरिकेचर ड्रॉ किया है। अच्छा लगा हमें, उन्होंने भी पसंद किया, उनके लिए भी शायद नई चीज थी, हमारे लिए तो थी। सैनिकों के पीछे या उनके साथ होने की भावना दिखाने के लिए सैकड़ों लोग प्लेटफॉर्म पर जमा थे। वे सैनिकों को स्वेच्छा से खाने पीने की चीजें दे रहे थे। इन्हीं उत्साही लोगों के बीच दिल्ली के जाने माने कार्टूनिस्ट भी थे। इन्हें लगभग 70 सैनिकों ने एक विशेष संदेश पट्ट पर अपने हस्ताक्षर भी दिए। हम दरअसल यहाँ पर कार्टूनिस्ट लोग जवानों का कैरिकेचर ड्रॉ करने आए थे,
हमारा मेन मकसद यही था कि उनको किसी तरह से चीयर अप किया जाए, अपने क्षेत्र में का ही कुछ ऐसा काम करें कि पैसा इकट्ठा करना हमारे बस का नहीं था और आत्मीयता हम इसी माध्यम से हम दिखा सकते थे। और मेन हमारा आम पब्लिक को भी ये संदेश देना कि हम जिस भी क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में रहकर भी देश की सेवा कर सकते हैं। करगिल में संघर्ष के लगभग खत्म होने से वहां जा रहे सैनिकों में उत्साह की कमी थी। कई सैनिकों को इस बात का अफसोस था कि उन्हें लड़ने का मौका नहीं मिलेगा। दुख होता है क्योंकि कुछ हम सबको यानी देश के लिए हम यानी कुछ नहीं कर पाए, इसी तरह का अनुभव था। मैं जो हमको मैं देश के लिए रक्षा जो कर रहा हूँ वो उसमें शामिल है, बहुत थोड़ा सा अनुभव होता है कि मैं कुछ नहीं कर पाया। वाई नॉट, हम देश के लिए क्या जान के हम कुछ भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। हम भारत माता की, हमसे जो टकराएगा हम तो जे जाते जैसे उन्होंने हमारे मतलब जवानों के साथ हमारे भाइयों के साथ ऐसा सुलू किया, वैसे जो उनके आदमी पकड़े जाते हैं वैसे सुलू का हमारे को उनके साथ करना चाहिए था, उनसे ज्यादा बेहतर ज्यादा करना चाहिए था। ऑल द बेस्ट। देशभक्ति के जज्बे में यह अफसोस स्वाभाविक है, लेकिन सैनिकों के प्रति आम लोगों ने अपनी भावना का जिस तरह से इजहार किया वह अद्भुत है। कारगिल को चुनावी मुद्दा बनाना नहीं चाहते, लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का रवैया चल रहा है वो कारगिल को चुनावी मुद्दा बनाना चाहते हैं, उसको रोज रेस करते हैं। और इसलिए कारगिल के कुछ पहलुओं पर निश्चित रूप से इस चुनाव में बहस होगी और भाजपा का उसमें बड़ा स्पष्ट मत है कि कारगिल में पाकिस्तान ने इस देश के साथ विश्वासघात किया। वाजपेयी जी लाहौर दोस्ती का हाथ बढ़ाने गए थे और विश्वासघात का जवाब हमने यह दिया कि उस हाथ को हमने क्रश कर दिया। पाकिस्तान को इतिहास में इतनी बुरी हार नहीं मिली होगी जो कारगिल में दो महीने में मिली। विश्व भर में डिप्लोमेटिक फ्रंट पर इंटरनेशनल आइसोलेशन मिला, तो डिप्लोमेटिक और मिलिट्री फ्रंट के ऊपर हमारी सेनाएं और हमारा राष्ट्र जीता है। उस जीत में नेतृत्व वाजपेयी जी का था, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस जीत को जीत ना मानिए, इसको हार मान लीजिए, इस प्रकार का प्रचार करने का प्रयास कर रही है। उस झूठे प्रचार का निश्चित रूप से हम कड़ा जवाब देंगे कि अगर इस देश की जमीन कभी खोई गई है तो वो केवल सन 48 की लड़ाई में और सन 62 की लड़ाई में, जो कांग्रेस पार्टी जब हुकूमत में थी। और इसलिए 1999 की जो बैटल रही है उसमें यह देश विजयी रहा है, और इस विजयी देश की भावना को निश्चित रूप से हम देश के सामने लाएंगे। और उस राजनीतिक दल को कड़ा जवाब दो जो युद्ध के दौरान देश को और सेनाओं को डिमोरलाइज करने के लिए दिन प्रतिदिन अपने बयान देता रहा। और शायद उसी का कारण है, मैंने आज कहीं पढ़ा कि अगर पाकिस्तान टेलीविजन पर सबसे अधिक किसी के बयान आजकल आ रहे हैं तो वो सोनिया जी के, कि जब सोनिया जी कहती हैं कि हमारे देश के जवान मर गए तो पाकिस्तान में बड़ी प्रसन्नता होती है और पाकिस्तान टीवी के ऊपर वो बयान खूब ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं। Now we'll finally wrap up the thing, 5 minutes in English. The Congress is asking
set up as a cover up and an eyewash? What do you have to say on that? You see, the Congress I has in the past, when in power, constituted several committees for cover up. Its Bofors JPC was a cover up, and it has a record of cover up. It is trying to judge the BJP government. Pakistan is the losing country. Pakistan may need inquiries, but India needs reviews of the situation as to what are our areas of strength, what are our areas of improvement. I compare it with a very simple example. Australia won the World Cup against Pakistan. Rather believe my army than believe Mr. Natwar Singh. Okay, the Congress has called for a wider commission, a commission of inquiry. I think the Congress party is more politically motivated, indulging in half-based legalisms. Our army is a very professional army. Our military intelligence is a very professional military intelligence. They have a very strong internal mechanism of review and improvement. To hold public commissions of inquiry against such actions, particularly when on such a difficult topography and terrain our army succeeds, I think is something which is wholly uncalled for. But they are calling for political, they are talking about political inefficiency, not military inefficiency. Well, they are yet to produce any evidence of that. Okay, so the commission of inquiry, the commission that's been set up, Mr. Subramaniam's commission, do you think... It's a review committee. It's a review committee. So the review committee, if it comes up with whatever suggestions... They'll be good for the system, they'll be good for the country. The Henderson Brooks inquiry is still used, perhaps by the army in a lot of areas in the Northeast. Okay, so you hope it will be fruitful. Certainly, it will be an asset because it's an introspection. Where are we strong? Where are we lacking? Where do we need an improvement? That's the object of such reviews. Okay, well, thank you, Mr. कुछ नहीं ठीक है सरदार हैं तू गुंडी दे पेट अंदर करो आप जाएंगे तो आपसे दिखाएंगे।